प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया नई संसद का वीडियो, पीएम ने लोगों से किए शेयर करने की अपील। नई संसद के 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा की झलक, नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। नई संसद के लोकसभा हॉल में धम्म चक्र के नीचे स्पीकर का आसन, बाई तरफ प्रधानमंत्री के बैठने की जगह। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था, कालीन और डेस्क पर बना है मोरपंख का डिजाइन। नई संसद के राज्यसभा हॉल में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम, सदन की हर सीट पर लगाई गई है स्क्रीन। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत त्रिकोण आकार में बना है संसद भवन, बायोमेट्रिक से होगी भवन में एंट्री। नए संसद भवन में पीएम ब्लॉक अलग, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों के लिए भी अपना कमरा, 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से बनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर नई संसद की तारीफ की, लिखा देर से ही सही लेकिन बनी जबरदस्त संसद। 28 मई को नई संसद में स्थापित होगी सेंगोल, राजदंड स्थापना से पहले दिल्ली के मलाई मंदिर में 40 अधिनम ने की पूजा। नई संसद में सेंगोल को लगाना तमिलनाडु के लिए गर्व की बात, एडी परमाचार्य स्वामीगल का बयान। तमिलनाडु से आज कई संत और पुजारी आएंगे दिल्ली, नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस बोली सेंगोल से नहीं हुई थी सत्ता ट्रांसफर, शाह बोले भारतीय परंपरा से नफरत करती है कांग्रेस। सेंगोल देश की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक, कांग्रेस ने इसे म्यूजियम के अंधेरे के कोने में रखा, स्मृति ईरानी का बयान। जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का ऐलान, 28 मई को संसद के उद्घाटन के फैसले के खिलाफ करेंगे अनशन। सीएम गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर हमला, देश में बढ़ गया है छुआछूत, उनके लिए क्या कर रहे हैं दोनों। नई संसद के उद्घाटन विवाद पर पूर्व नौकरशाहों ने खुला खत लिखकर विपक्ष पर निशाना साधा, बहिष्कार को अलगतंत्रिक और आधारहीन बताया। ब्यूरोक्रेसी, सेना और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा खुला खत, लिखा कि बहिष्कार करने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे लोकतंत्र की आत्मा को चूस रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विपक्ष से अपील, बहिष्कार के फैसले पर फिर करें विचार, राजनीति करने के कई अवसर आते हैं। विपक्ष को पीएम मोदी से दिक्कत, इसीलिए नई संसद का विरोध हो रहा है, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कांग्रेस से अपील, ओछी राजनीति छोड़कर समारोह में शामिल हो। नए संसद के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा कि ऐसी याचिकाएं देखना हमारा काम नहीं। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे होगी नीति आयोग की बैठक, विकसित एट 2047 में होगी बैठक थीम। सीएम केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, पीएम मोदी को पत्र लिखकर सहकारी संघवाद को बताया मजाक। तेलंगाना के सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक में बनाई दूरी, मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भगवंत मान भी नहीं करेंगे शिरकत, कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम होंगे शामिल। सीएम बघेल का केंद्र सरकार से सवाल, पहले केंद्र की होती थी कई योजनाएं, अब होती है 50-50%, फिर केंद्र क्यों तय करे ना। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा आने वाले दिनों में बीजेपी के प्लान की देंगे जानकारी, देशभर में आयोजित की जाएगी 45 से 55 बड़ी रैलियां, आधा दर्जन रैलियों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए, जनता का पीएम मोदी पर बरकरार है विश्वास। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, जयराम रमेश ने कहा पीएम कब तोड़ेंगे चुप्पी। कांग्रेस ने पीएम मोदी से चीन, अडानी, किसान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पूछे सवाल, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि 9 साल में मोदी सरकार का प्रचार, पीआर और जुमलों का व्यापार। कांग्रेस के 9 सवाल पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने पंचतत्वों के सभी 5 तत्वों में किया भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निर्यात बढ़कर हुआ 2 गुना, अर्थव्यवस्था हो रही है क्लीन। कर्नाटक में सिद्धरमैया की कैबिनेट का आज होगा विस्तार, सुबह 12:15 बजे 24 मंत्री शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में कौन होगा ये कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का अधिकार, रणदीप सुरजेवाला का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज हैदराबाद दौरा, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम के चंद्रशेखर राव से मांगेंगे समर्थन। केजरीवाल सुबह 11 बजे होंगे हैदराबाद के लिए रवाना, दिल्ली की मंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मुलाकात में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते हैं पीएम, लोग न्याय के लिए कहां जाएं, केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल का निशाना। अरविंद केजरीवाल को मिला जेडीयू का साथ, लालन सिंह बोले संवैधानिक पीठ के फैसले को केंद्र ने बदला।
केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस से लगा झटका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शुक्रवार को नहीं मुलाकात का मिला समय। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि केजरीवाल ने मांगा औपचारिक समर्थन, इस पर चर्चा करने के बाद लेंगे फैसला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगे मेदिनीपुर में एगरा का दौरा। अवैध फटाखा फैक्ट्री में धमाके वाली जगह का जायजा लेंगी। सीएम ममता बनर्जी धमाके में मारे गए लोगों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। ब्लास्ट में 12 लोगों की जान गई थी। बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस, 2 और 3 जून को होगी बैठक। सभी जिलों के प्रमुख नेता रहेंगे शामिल। कृष्ण जन्मभूमि मामले की अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर। जिला जज से सारे केस की लिस्ट भी मांगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनी अब लड़ेंगे मथुरा की लड़ाई। भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान करार की लेंगे दम। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भगवान बालाजी ने मथुरा वाली उनकी अर्जी की कबूल। भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। सूरत में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई। कहा कि सब लोग साथ हो जाएं तो भारत क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सूरत की धरती पर बागेश्वर ने ललकारा। कहा कि संतों को छोड़कर कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में राज्य मंत्री बीरबहा हंसदा के काफिले पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बीरबहा हंसदा ने कहा कि जो हुआ उसका जवाब हम कुर्मी समुदाय के हर एक नेता से लेंगे। बीरबहा हंसदा ने कहा कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, मुझे भी शीशे के कुछ हिस्से लगे। बुलंदशहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर कार्रवाई की। लाउडस्पीकर भी उतरवाए हैं। मानकों के विपरीत ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं लोगों पर दर्ज हुई FIR। 3 धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं पर तेज आवाज में अजान और आरती कराने पर केस। लखनऊ के चौक इलाके में मस्जिद के ऊपर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस ने दिया निर्देश। मस्जिद समिति से जुड़े लोगों ने स्पीकर हटवाए। नियमों के तहत की गई कार्रवाई। गाइडलाइन के हिसाब से लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम करवाया गया। लखनऊ में सीएम आवास और राजभवन के करीब संदिग्ध ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। दोनों ही आवास नो फ्लाइंग जोन में। जांच में पता चला कि एक युवक जो खुद को फोटोग्राफर बता रहा है पास के एक अपार्टमेंट से ड्रोन उड़ा रहा था। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। अदालत की निगरानी में जांच की मांग। दिल्ली पुलिस आज ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हुई अब तक की जांच रिपोर्ट भी करेगी दाखिल। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। क्राइम ब्रांच की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 12 बजे करेगी कोर्ट में पेश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग। सनलाइट कॉलोनी में हुई फायरिंग के मामले में पूछताछ और रिमांड मांगेंगी। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का आज मणिपुर दौरा। राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में MIM के पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट। बीजेपी के पार्षदों कार्यकर्ताओं पर आरोप। वंदे मातरम पर सीट से खड़े ना होने पर मारपीट का आरोप लगा। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। कानपुर में सिद्धार्थनाथ घाट पर कुछ बच्चों का लगा नदी में डूबने की बात सामने आई। स्थानीय लोगों ने नदी से बाहर निकाला। 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 की हालत गंभीर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पेट्रोल और डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। गुजरात के नर्मदा पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का भूमि पूजन किया। गुजरात के केवड़िया पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का भी दौरा किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में गंगा दशहरा पर्व माँ आरती में शामिल हुए। विधि विधान से की गई पूजा। यूक्रेन के नीप्रो पर रूसी सेना का हमला। एक शख्स की मौत, 2 बच्चों से 16 लोग घायल हुए। रूसी सेना ने नीप्रो के एक अस्पताल को निशाना बनाया। नीप्रो की पुलिस ने हमले के बाद वीडियो जारी किया। रूसी हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नीप्रो पुलिस ने घायल नागरिकों को रेस्क्यू किया। मेक्सिको के पोपो ज्वालामुखी से गैस और राख निकलना जारी। स्कूलों की गई छुट्टी। सेना अलर्ट पर रखी गई। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज। 6 अरब 5 करोड़ डॉलर की आई कमी। विदेशी मुद्रा भंडार अब 593 अरब 48 करोड़ पर पहुंचा। RBI ने जारी की है 19 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। चावल की सरकारी खरीद 5 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंची। 1 करोड़ 12 लाख किसानों को 1,60,000 करोड़ का MSP दिया गया। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानें 30 मई तक रद्द। ऑपरेशन कारणों का दिया गया हवाला। IPL के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को भिड़ंत। IPL के क्वालिफायर 2 में मुंबई को 62 रन से हराकर गुजरात पहुंचा फाइनल में। लगातार दूसरे साल बनाई चुके 234 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 171 पर ढेर। तिलक और सूर्य कुमार ने बनाए रन। गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह के बीच 54 रन की साझेदारी। शाह 18 रन बनाकर आउट हुए।
साह के आउट होने के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने संभाली पारी। गिल ने जड़ी सेंचुरी, साई सुदर्शन ने 43 रन बनाए। शुभमन गिल ने छीनी डुप्लेसिस से ऑरेंज कैप, मुंबई के खिलाफ शतक जड़कर नंबर वन बल्लेबाज बने। शुभमन गिल ने प्लेऑफ मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने, इससे पहले रिद्धिमा साह के नाम था रिकॉर्ड। आईपीएल के एक सीजन में शुभमन गिल 800 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। विराट कोहली सबसे आगे, 235 रन का टारगेट चेस करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई के दोनों ही ओपनर्स रोहित शर्मा और नेहल वडेरा सस्ते में आउट हुए। सूर्यकुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने संभाली मुंबई की पारी। सूर्यकुमार यादव 61 और ग्रीन ने 30 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहित शर्मा ने की घातक गेंदबाजी, 10 रन देकर 5 विकेट छटके। शमी और राशिद खान ने 2-2 विकेट छटके। अगले महीने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। विजेता को मिलेंगे $16 लाख। अबूधाबी में आईफा 2023 में होस्ट करने वाले अभिनेता अभिषेक बच्चन, मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं है क्योंकि मैं और विक्की कौशल 2 से 3 हफ्तों से अभ्यास कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बनाने पर कहा कि सही स्क्रिप्ट का है इंतज़ार जो दर्शकों को एक यादगार अनुभव दे सके। पाकिस्तान के कराची में फैशन शो का आयोजन, इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड लीदर एग्जीबिशन के दौरान टॉप डिजाइनर्स ने शोकेस किया अपना कलेक्शन।